ओए विक्की, रहन दे यार, तू हमेशा वादा करना है फिर मुकर जाना है। नहीं नहीं मैं ठीक हाँ। वो किसे खोजल ने ब्रेकिंग न्यूज दे देती है कि बाबा जाना ला, अजय नहीं मैं ठीक हाँ। बासु ओ नहीं हो जी शक्ल बाहर जाना नहीं होंगे ने। इन्हें तो कढ़ाई साफ करनी है, पेड़े बनाने ने, जलेबियां बनानियां ने, ते ते तेरे दादे बूटे का नाम रोशन करना है। अच्छा, मेरे लड्डू फिर गल करांगे, ठीक है लॉर्ड। वासिम मुझे कॉलेज तो छोड़ो। ओ मेरी बलू सही, इधर आ। अरे पुत्र, अरे थैंक यू बाबूजी। इनु तुड़ा के हजार बासु कुमार नु भी दे रही। आप उसे बासु कुमार क्यों कहते हैं? भाई दी मां नु कुछ बचपन ही चे मिट्टी दे खिडौनियां नाल खेड़दा हुंदा सी। बाबूजी मैं चलती हूं। ए पुत्रे मैनू वो दे दे रिमोट, मैं वेखा दुनिया च की हो रहा है। ये ले बाबूजी। हाँ जी, अल्लाह हाफिज बाबूजी। थैंक यू अल्लाह हाफिज। चल भाई। बाबूजी की बात को माइंड कर लिया है तुमने? क्यों माइंड ना करूं, तुम बालूशाही और वो कनाडा में बैठा हुआ विक्की लड्डू और वो अमेरिका वाली ईशा बर्फी और मैं बासु कुमार। ज्यादा गुस्सा है तो पेठा। ये बाऊजी का स्टाइल है ना। हाँ तो एक जैसा रखे ना स्टाइल पूरी दुनिया के लिए, मुझे क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह ट्रीट करते हैं? तो तुम भी चले जाओगे ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री? मांग तांग के पैसों से। अच्छा सेंटिमेंटल मत हो। वापसी में रॉकेट को भेज देना या फिर खुद आ जाना। रॉकेट को ही भेजूंगा, दोपहर में एक ऑर्डर निकालना है मुझे। एक बात कर, ओ जी मैं हूँ आशिक हुसैन एडवोकेट, लेकिन जमील मलिक साहब मैंने बताया था ना आपको कि वकालत छोड़ दी है जी मैंने। 36,822 तो एक ही मामा बनता है। 86,000 अम्मी और अब्बा जी तो अल्लाह बख्शे रहे नहीं, तो बस अब ये सोचा है कि बस इनकी खिदमत करके ही जन्नत कमा ले। मैं देता हूं जी आपको नंबर, मैं दूंगा अपने दोस्त का नंबर, आप मेरा रेफरेंस दें। कहे आशिक हुसैन एडवोकेट ने कहा वो लड़ेगा आपका केस। हाँ ठीक, खुदा हाफिज़। आवाज नीवी रखी आपने। सच के जावा तेरे आशिक हुसैन एडवोकेट साहब, ओए फड़ लेना थी केस। 999 पहले सन एक होर जमा हो जाना सी, पूरे 1,000 बन जांदे हारण आले। आज वैसे लग रहा है कि मेदे की जलन से तेरा हाथ हौला ही है, तो सारा कोटा मेरे ऊपर पूरा कर रहे हैं मामा जी है। तुसी फिक्र न करो आशिक हुसैन साहब, बासम दा वलीमा खा के ही जाना है मैं इस दुनिया तो। अल्लाह तौबा करें मामा जी, अल्लाह हयाती दे आपको। मैंने भेजा है वो राकेट को आपकी रिपोर्टें उठाने के लिए, आ रहा है बस। उस राकेट जासूस में भेजता ही। ओए ओए वो ते ब्रेकिंग न्यूज़ बना के सारी दुनिया नु सुना के मेरा आएगा कार।
मर गई। बैड न्यूज, बैड न्यूज। चूल्हा बंद करी सुरेंद्र साकी। चौधरी साहब सीधी सी बात है, आधे पैसे वीजा लगने के बाद दूंगा। खूब पेतवारी है भला। तो बस ठीक है, कल आप आ जाएं बब्बू एंड बूटा स्वीट्स पर, बैठकर सारे मामलात भी तय कर लेंगे और मोतीचूर के लड्डू भी खिलाऊंगा आपको। ओके ठीक, अल्लाह हाफिज़। ओए तू अभी तक गया नहीं बेला को लेने? छुट्टी तो कब की हो गई होगी। बॉस गाड़ी आपके पास है, वही लेने आए। निकलो। अरे वैसे बाबूजी की रिपोर्टें आ गई और मुझे ना थोड़ी सी मशकूक लग रही है। जैसी हरकतें होंगी वैसी रिपोर्टें आएंगी ना। अच्छा निकलना, मैसेज आ रहे हैं बेला के बार बार। डन। ओ शुगर हो जाएगी हराम का माल खा खा कर। सॉरी सर, सॉरी। भाई ये बाबूजी की तो लीवर का बड़ा मसला निकल आया है। आप कुछ भी कहें, मैं पायल रफाकत को फोन करने लगी हूँ, मैंने बताना है उनको। वो कौन सा सर्जन लगे हुए हैं जो बाप को बुला के बाहर लीवर ट्रांसप्लांट करा देंगे? रहते हो तुसी। फोन क्यों नहीं लग रहा? उसको मिला भाई, वो क्या है, वो क्या नाम है उसका, म्यूजिक की दीवानी ईशा, वो क्या पता खुशकिस्मती से जाग ही रही हो। लाओ उसे। हाँ उसे ही करती। हाय फोन बजे जा रहा है, उसको होश भी नहीं है। हेलो। हेलो हाँ निकी भाभी, खैर तो है? आज अपने इकलौती भतीजी की याद कैसे आ गई? वो बाबू जी ना खुदा ना खास्ता गुजर गए। हाँ है, तौबा करो, बंदा कोई चंगी गली कर लेंदा है। आप मेरी बात करें पान रफाकत से। हाँ वो लॉन्ड्री में है, लॉन्ड्री में। खैर तो है ना, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम निकी भाजी। जी निकी बाजी, 100 बातों की एक बात है जी कि मेरे साथ रिश्ता और ताल्लुक तो आपने वही रखा है शरीकों वाला, लेकिन मेरा काम है आपको मौके पे इतला कर देना। आशु क्यों कोडवर्ड्स में बात कर रहा है, साफ साफ बता क्या हुआ। साफ साफ बात ये जी कि बाबूजी की रिपोर्टें ठीक नहीं आई, तुसी आना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह बख्शे मामी जी तेरा आखिरी रसूमात स्काइप पे देख लेना, और की हो सकता है। निकलिया ना चंगड़ा दी औलाद, तेनु किने इजाजत दीती है इंटरनेशनल पीसीओ खोलन दी? अरे मेरे काली जी, मेरी आखिरी रसूमात दी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। अल्लाह ना करे बाजी, वो रह गए। चलो फुटो फुटो निकलो इतो, और आखिर तानु दिखा देगा मेरी आखिरी रसूमात। अल्लाह ना करे जी। चलो खलो, चलो निकलो बाजी। ओ बड़ी हो गई बाऊजी, बाऊजी समझ गया मैं। आ चल कम मर गया ये। हद कर दिए, क्या टाइम दिया था मैंने, कितनी देर हो गई है। बाजी जाना कहाँ है? अंकल जय कुमार की शॉप पे चलो। वो सदर वाली ना? हाँ हाँ। सब ठीक है बाऊजी? ओए पेठिया,
तू अपने मां प्यो नू लै गए 5 मिनट के अंदर अंदर शीरी मंजिल की गायकी तो बाहर निकल जा नहीं तो 3 लाशा पड़िया हो लाशें दफनानी है एम्बुलेंस वालों को फोन करो ये भी बता दें माहौल कर ले अपने बाबू जी मैं उतार दूंगा क्या कर रहे हैं बैठ बैठ उनसे बैठ बैठ जाइए हिम्मत है नहीं मैं उतार देता हूं जूता और रहने दे तू जा बड़ा आगे मत कर रहा जा ओए बेटिया बेटिया जी बाबू जी जी ले नंबर मिला बेला नू मैं उन्हें दसा ओदे खानू दे करतूत वो मिला ना जी जी तो पहले कभी बाऊजी ने इस तरह जाने को नहीं कहा अब हाथ पकड़ के निकालेंगे तो हो जाएंगे आप ओए होए उस्तानी इफ़त आशिक हुसैन भाई बीमार है वो अगर गुस्से में कुछ कह रही है तो हम क्या सची मुची बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे कमाल करती है तुम भी हाँ तो फोन कर दिया उनके बेटों को आ जाएंगे दोनों इतने साल तो आए कोई नहीं और आ गए तो क्या कर लेना आपने लो जी ये जो सदर की बब्बू एंड बूटा स्वीट्स वाली ब्रांच है ना इसकी बुनियाद तो रखी थी अपने बासन में इसकी तरफ तो मैं किसी को नजर उठा के नहीं देखने दूंगा शाबाश है तो फिर ये बोले ना कि आप लालच में बैठे हुए यहाँ पे अल्लाह माफी इतना बेशरम नहीं हूं मैं बाऊजी ने तो एहसान किया था अब्बाई की वफात के बाद जब ये सज्जू और निक्की के खानदान ने आंखें रख ली थी मथे में बाबू जी तो थे जिन्होंने लॉ करवाया और फिर अपनी दुख्तरे नेक अख्तर यानी आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया बड़ी कदर की है ना अपने साथ की पर जो भी कहो मैं नहीं जाना खेड़े आंदे नाल भाई मैं नहीं जाऊंगा बाबू जी का हाथ छोड़ के ना ओ हो 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 क्या कहा बेला ने बैग छीन कर ले गए बेला का दो लफंगे मगर बैग में था क्या तेरे पे होता सिर मैंने थोड़ी छीना है मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं यार सीधे पुठे सवाल करके मेरा दिमाग खराब ना कर क्यों हो सकता है बैग किताबा होनगियां एक फोन होना जेड़ा 5000 मैं उन्हें दिता थी होएगा और क्यों हो सकता अखा पाड़ पाड़ के मैनू की देख रहे हैं देख ला चंगी तरह बाबू जी डाल दें ये मुद्दा भी मेरे से बेला के बैग बेला भाजी बताएं तो सही बैग में था क्या कुछ नहीं था कुछ नहीं तो फिर अब रो क्यों नहीं है दे जाने मेरा अल्लाह खैर करे मेरी बालूशाही की इन लोगों को कौन सा कीड़ा काट रहा है आजकल ओह माय गॉड 15 लाख था बैग में आज तक उन्होंने कुछ सुनने का तो क्या करोगे लेकिन मैंने तो सुन लिया नहीं कहां से आए थे वो दो मनहूस मेरा बैग छीन के ले गए
वो तो शुक्र है अभी भी 7 लाख रुपए उनको हमें देने। शोपीस बन के खड़ा हुआ था वहाँ पे। बस मुझे क्या पता था कि भाजी ने बैग में खजाना रखा हुआ है। अरे ज्वेलर से क्या कोई रोड़ियाँ लेकर आएगा, कभी तो अपनी अकल पे हवा लगा लिया करो। सुनो भाऊजी को असल बात नहीं बताया। बोलने को रह क्या गया, और तू ज़बान पे फीट पे कर लगा। भाऊजी जिस चीज से हाथ रखेंगी मैं लेके देंगा। ब्लैंक चेक पे हाथ रख दे बेला बाजी। चुप करो, तुझी तो ही मेरे सिर पे खड़े की कर रहे हो। उधर जाओ थाने कोर्ट दर्ज कराओ, बैठ चुके आ गया है तो सिर भी बंद कराओ। बॉस स्टार्ट करें। इधर मार। ओ मेरा पुत्र, ओ बच्चा मेरा, आ जा मैं लेके आ दूंगा। बॉस इजाजत हो तो एक बात कहूं। निशा जैसी मजबूत बात ना करें। वैसे बात तो कुछ ऐसी थी, खैर लेवेट। अच्छा दादा अंग्रेजी ना झाड़, बोल। बॉस बेला बाजी के जेवर बिकवा कर उनसे पैसे लेना इखलाकी लिहाज से बेगैरती में नहीं है? एक दूंगा घुमा के, डील हुई थी हमारी, ये पैसे वापस करने हैं उसे। और अब ये नुकसान किसके खाते में गिना जाएगा? जाहिर है मेरी मनहूस किस्मत के और किसके। वैसे बॉस आप ना कट्टा सर से वार के सदका कर दें, बड़ी सख्ती चल रही है आप पे। तुझे ना बाहर के फेंक दो अपने सर पे से। ओ, रिपोर्ट नहीं करा? नहीं 15 लाख लिखवाऊंगा क्या रिपोर्ट में? बाहर के चोर पकड़े जाए ना जाए, लेकिन घर के चोर दिन रात अम्मी और बाबूजी के हाथों जलील होंगे। 16 आने सच कहा, वैसे थानेदार ना यार है बाबूजी का। हाँ हाँ हेलो, बोल चकूरे। तिल के लड्डू? अच्छा अच्छा ठहर बॉस, वो शकूरे कॉल आई है, 50 किलो तिल के लड्डू का ऑर्डर। पकड़ लें या जाने दें? और तो पकड़े नहीं जा रहे, ऑर्डर ही पकड़ लो। पकड़ लो, बॉस कह रहे हैं। हाँ बड़े पैसे हाथ में हाथ निकल गए। है? मर गए ने सारे। जी बाबूजी। ओ पेठे अपनी मां नु पूछ, भूख हड़ताल चल रही है थे? मुझे तो नहीं लगता बाबूजी आज खाना मिलेगा, बेला के दरवाजे के बाहर ही खड़ी होंगी वो। ओ बालूशाही, पता नहीं किस बांदर दी नजर लग गई उन्हें। चंगी पली गई इसी कॉलेज सुबह खुशी खुशी। बादशाह जी। अम्मा जी, वो ये वाईफाई के सिग्नल आ रहे तेरे? वो जी आपके ससुर साहब ने सबके सिग्नल बंद किए। बबी खरीद, ये जेड़ी तीली तू लाई है ना मेरी रिपोर्ट वाली, ओदी वजह तो गैर मुल्की आवाम दा प्रेशर वध गया है मेरे नेट पे। थोड़ा सा प्रेशर तो लेने देना अपनी औलाद को। ए तू अपने प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर, मैनू नहीं चाहिए झूठियां दियां झूठियां। बेला नहीं आई? जाकर देख लेना बासम, रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने अपना। ओ भाई बैग में ऐसा क्या था जो रो रो के आंसुओं की नदियां ही बहा दी उसने? ओ मेरी बालूशाही दे अतुलान ने मेरा दे ध्यान ही वडा दिता है, नहीं तो जड़ी चवल तू मारी है ना यार, तू मेरे दिलो ही उतर गए। नहीं बाबूजी, मैं आपके कदमों में बैठा हूं, आप जूते मारे मुझे, मैं आपकी दलील सुन के नहीं जाऊंगा। यार मैं जाना, तू मेनू मार के ही जाएगा ये तो। उसने जी अल्लाह ना करे आप झुक जी। जाके देखना उसको। देखने को रह ही क्या गया? ओ झूठ,
उसे कह कि छोटा मोटा सेल फोन तो मैं भी ले दूंगा उसे, वो रोना बंद करे और आके रोटी खाए ताकि हम भी खाएं रोटी। क्यों जी यार तू मेनू एड्डा बुरा क्यों लगन लगते है? नजर वटू आपका। क्या ड्रामे बाजी है बेला? तुम्हें ये ड्रामे बाजी लग रही है? तो और क्या, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। मैं अंदाजा भी है मैं किस कयामत से गुजर रही हूँ। भाई नुकसान तो मेरा हुआ है, मैंने कल के पैसों का वादा किया था एजेंट से। क्या कहूंगा अब उसे, पर से तुम्हारा रोना अलग दिमाग खराब कर रहा है। तुम्हें अभी भी अपने वादे की पड़ी हुई है बात से? वादे की भी है और तुम्हारे पैसों की भी है। लिख दो मेरे खाते में, जब बाहर जाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। तुमसे पैसे कम मांगे बात से? तो फिर क्यों रो रो कर ऐसे सबको शक में डाल रही हो? अब भी कह रहे थे ऐसा क्या था बैग में? ये अम्मी की ज्वेलरी के पैसे थे वो। इस बात का मतलब जानते हो क्या है? मुझे क्यों सुना रही हो? मना किया था ना, मना किया था ना मैंने, लेकिन तुम पे कुर्बानी का भूत सवार था। भुक दो। तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, निकलो। इतना बड़ा दिल नहीं था तो क्यों बात की थी इतने पैसों की? क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं कमजोर इंसान के लिए सब कर रही हूँ जिसको सिर्फ अपने एजेंट की परवाह है। तुम निकलो, कहाँ निकलो, मेरी बात नहीं, निकलो। बेला मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। बेला, ये हो क्या रहा है यहाँ? दिमाग खराब हो गया आपकी भांजी का। इस घर में किसी का दिमाग ठीक भी है? मुझे नहीं पता। बात सुन, सच से बता मुझे, ये किस बात का सोग मना रही है? मुझे क्या पता, जाके पूछ ले उससे। किसी छोटी सी बात पे कमरा बंद करके रोने वाली नहीं है वो। मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने थोड़ी छीना उसका बैग। काके कोई ना कोई कनेक्शन तो है तेरा इस बात से। अम्मी मेरा मीटर मत घुमाएं, जाकर पूछ ले उस नवाबजादी से, मुझे तो कुछ नहीं बता रही। खाने को क्यों पा रहा है? भाई नुकसान तो मेरा हुआ है, मैंने कल के पैसों का वादा किया था एजेंट से। क्या कहूंगा उसे, पर से तुम्हारा रोना अलग दिमाग खराब कर। बेला, बेला, बेला दरवाजा खोलो बेटा, कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। बेला, ड्रामेबाजी लगती है, अंदाजा भी है मैं किस कयामत से गुजर रही हूँ। ये अम्मी की ज्वेलरी के पैसे थे वो। इस बात का मतलब जानते हो क्या है? ओ यार साकी, हमारी तो डबल जलालत हो रही है ना। इधर बाबूजी हमें प्यों प्यों के लितर मार रहे हैं, उधर तुम ये कह रहे हो कि हम उनका ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं करवा रहे। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आशिक, पाएंगे किसी अच्छे से डॉक्टर से ना अपॉइंटमेंट ले लें, और पैसों की फिक्र ना करें, पैसे मैं भेज दूंगा। सुधाकर साहब, ये जो पैसों की आपने बात की है ना, इसकी भिनक भी अगर पड़ गई ना बाबूजी के कानों में, तो ये आशिक हुसैन की जो आशिकी है ना, वो नाक के रास्ते निकाल देनी उन्होंने। हाँ जी वाह, हो गई बात, सुबह करेंगे बात। अल्लाह मुझे तो बाबूजी की फिक्र है, खाना भी नहीं खाया उन्होंने और रात की मेडिसिन भी नहीं ली। तो ये बात जाके उसको बताओ ना, उनकी वो जो चहेती है आंसा बेला सलाउद्दीन, उसी में जानत की भी उनकी। वो तो आप कमरा ला करके बैठी हुई है, खोल ही नहीं रही है।
ला जी, फिर तो आज की सारी रात सूली पे ही गुजरेगी बाबूजी की। जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सोए क्यों नहीं अभी तक? मेरी बालूशाही दुआई नहीं देती, नींदर की मैं अंधी हूँ। मैं भूल गई बाबू जी। I'm sorry। उठे आप रूम चले। आपको भी देती। नहीं। बाबू जी, उठ जाए प्लीज। खाना भी नहीं खाया इन्होंने। तुम बाबूजी को रूम में लेके जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। नहीं खाओ, चलें। नहीं जाओ यार। करंट नहीं मारता, मैं भी नवासा ही हूँ आपका। कुछ सलाब में बैग नहीं आया इस घर में। उठे। कभी तो मेरी भी सुन ले आप। उठे ना बाबूजी, प्लीज उठे। बारी होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा चले चले चले, बिल्कुल ठीक है। कमरा इस तरफ है। किधर? इधर। रास्ता क्यों नहीं? अच्छा आ जाए आ जाए। मर भी